सो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं ना अपना फेसबुक को ओपन करता हूँ एंड उसके बाद अपना डीबी में जाने के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे नया वाला इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है, नया वाला ऑप्शन शो हो रहा है जो है मीटा बिजनेस सुइट्स बोल के। तो ये ऑप्शन पहले नहीं था बट अभी आ चुका है। तो आज इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा कि ये वाला जो ऑप्शन एक्चुअल में क्या है एंड इसको कैसे यूज कर सकता है, कहाँ इसको मिल जाएगा, पूरा स्टेप वाइज मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो का मेन टॉपिक में चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुका अपना फेसबुक प्रोफाइल के अंदर। उसके बाद जैसे डीपी में क्लिक करता हूँ, डीपी में क्लिक होने के बाद प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड बोल के आपके सामने ऑप्शन शो होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड दोस्तों जिन लोगों का प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है तो वो लोग पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ऑन कर लीजिए, तभी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको शो हो रहा है जो पहले यहाँ पर बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलता था, जो है मीटा बिजनेस सुइट्स बोल के आ जाता है, SUITE बोल के। एंड उसका नीचे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है मैनेज योर बिजनेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन वन प्लेस। इसका मतलब है आप अपनी बिजनेस को यहाँ पे ओनली एक प्लेस में दो जगह में मैनेज कर सकते हो, फेसबुक में एंड इंस्टाग्राम में, दोनों जगह से मैनेज कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल फेसबुक यूजर है तो आपके लिए ये नहीं है, नॉर्मली आप फेसबुक या लाइट वर्जन यूज़ कर सकते हो। अगर आपने प्रो है तो आप फेसबुक ऐप को यूज़ कीजिए। एंड अगर आपने बिजनेस करना चाहते हो तो ये आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। कैसा हेल्पफुल हो जाएगा मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्चिंग होगा, थोड़ा सा लोडिंग होगा एंड उसके बाद ये सीधा जाके आपको प्ले स्टोर में लेके चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सीधा यहाँ पे प्ले स्टोर में निकाल के आ जाता है एंड यहाँ पे बोलेगा ये ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। ऐप का नेम देख लीजिए मेटा बिजनेस सुइट्स बोल के एंड इसका जो रेटिंग है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तगड़ा है, जो है 4.4 रेटिंग है एंड इसका यूजर 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो चलिए इसको मैंने पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने आपको सभी को यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तब तक अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किए तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, वो जाकर पटाफट फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी सवाल है, मेरे रिलेटेड कुछ भी सवाल है वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को मैंने स्किप करता हूँ, उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल करता हूँ देन आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो मेटा बिजनेस सुइट्स बोल के जो ऐप था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लूँगा। एंड ये यहाँ पे ट्विस्ट है जो मैंने इसके बाद जाके आपको बताता हूँ। देखिए ऐप यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है एंड यहाँ पे जो मेरा नेट कनेक्शन है वो भी थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है, ऊपर में एक मेटा का एक लोगो आ जाता है एंड साथ ही साथ आता है मेटा बिजनेस सुइट बोल के। एंड मेरा जो फेसबुक यहाँ पे लॉगिन है जो जॉयसी सरदार नाम पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंटिन्यू एज जॉयसी सरदार, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। अगर आपने दूसरा फेसबुक को लॉगिन करना चाहते हो तो नीचे आपको मिल जाएगा साइन अप फॉर फेसबुक, यहाँ पे जाके भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू जॉयसी सरदार में क्लिक करूँगा, यहाँ पर थोड़ा लॉगिन हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक नया इंटरफेस निकाल के आ जाएगा, बट अभी तक मेरे को आया नहीं, देखते हैं कब तक आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नया इंटरफेस निकाल के आ चुका है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल योर टूल्स इन वन प्लेस एंड बोला कनेक्ट विथ मोर पीपल, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटस जैसे यहाँ पे शो हो रहा है एंड उसके बाद आता है सिंपली रनिंग योर बिजनेस, जो लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए फेसबुक को इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए बहुत फायदा वाला। एंड सेव टाइम, ये जो सेव टाइम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। तो हो जाने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट में हम लोग क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्ट में क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाता है, यहाँ पे बोला है रिप्लाई टू मैसेज, यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल है पोस्ट, यहाँ से पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग रहता है उनको बराबर टाइम पे वीडियो पब्लिश करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग शेड्यूल करके रखते हैं, वो टाइम में ऑटोमेटिक यहाँ पे पब्लिश हो जाता है। एंड डिस्कवर योर ओन टेक टूर है बोल के यहाँ पे आप एक कम्युनिटी एक गाइडलाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ ऊपर में जो क्रॉस मार्क है मैंने यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देन का दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा जो ऐप है टोटल यहाँ पे ओपन हो चुका है। ऊपर में देखिए मेरा जो फोटो आ जाता है एंड मेरा जो पेज है यहाँ पे जितना सारा पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक ही पेज है यहाँ पे बना के रखा हूँ जो है जॉयसी ब्लॉग्स नाम पे, तो ये यहाँ पे शो हो जाता है। एंड दोस्तों यहाँ से
यहाँ से आप पेज को बोले तो कुछ पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्रिएट पोस्ट आता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्रिएट पोस्ट करता है एंड बहुत इजीली यहाँ पे फेसबुक पेज में कर सकते हो, फेसबुक प्रोफाइल में कर सकते हो, यहाँ से इंस्टाग्राम को भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने जो ग्रुप को फॉलो करके रखा है वो ग्रुप को भी डायरेक्ट ऐसे ऐसे आप सिलेक्ट करके भी भेज सकते हो। बोलो तो एक क्लिक में 10 जगह में आप एक पोस्ट को शेयर कर सकते हो। इसमें आपको टाइम बहुत सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसका नीचे आपको आ जाता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, उसका नीचे यहाँ पे फोटोज़, वीडियोस, ऐड लोकेशन, लोकेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे गो लाइव, एक्टिविटी, गेट मैसेज। बोलो तो एज यूजुअल फेसबुक जैसा यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम आपको बहुत सेव हो जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे पोस्ट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो ऊपर में देखिए मैंने मार्क किया हूँ, नेक्स्ट में क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा जिनको जिनको सिलेक्ट करेंगे। एंड उसका नीचे देखिए आपको रील्स ऑप्शन मिलता है, बोलो तो यहाँ से आप रील्स भी शो कर सकता है, स्टोरी भी लगा सकता है, यहाँ पर कोई ऐड भी क्रिएट कर सकता है, यहाँ पर फोटो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके एलो एक्सेस करके उसके बाद मेरा गैलरी में जितना सारा फोटो यहाँ पर शो हो जाएगा, इसमें से कोई भी फोटो मैं यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं। उसका दोस्तों उसका नीचे आ जाता है वेलकम टू मेटा बिजनेस स्विच बोल के, यहाँ पे देखिए गेट स्टेप टू गेट स्टार्ट। यहाँ पे मॉनली मैंने एक स्टेप को फॉलो किया हूँ और यहाँ पे स्टेप है जो यहाँ पे फॉलो करना मैंडेटरी है। वो स्टेप कौन सा देखिए, यहाँ पे ये वाला जाइए सी मोर में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सी मोर में जैसे क्लिक करता हूँ एक स्टेप मैंने सिलेक्ट किया हूँ, दूसरा चला जाता हूँ नीचे, यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ, क्लिक हो जाने का दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, उसके बाद कंटेंट आ जाते हैं मेरे को दिखा रहा है किधर क्या है, उसके बाद ये प्लस मार्क आ जाता है, उसके बाद यहाँ इनबॉक्स मैसेज भी चेक कर सकता है, यहाँ पे टूल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ आपको कुछ शॉर्टकट मेनू देखने के लिए मिलता है जो है होम और एक है कंटेंट और एक इनबॉक्स एंड और एक प्लस मार्क। प्लस मार्क बोले तो यहाँ से आप कंटेंट को सिलेक्ट करके भेज सकते हो। तो होम ही है, कंटेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे अभी तक आपने जितना सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया है बोले तो वीडियो वगैरह रील्स वगैरह अपलोड किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ऊपर में देखिए पोस्ट, रील्स, स्टोरीज, मेमोरीज, टैग्स, मेंशन एंड टैग्स, यहाँ पे फोटोज, यहाँ पे प्लानर, यहाँ से आप चाहो तो कुछ भी प्लान भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनबॉक्स, इनबॉक्स में दोस्तों आप यहाँ पे मैसेज चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई भी वीडियो पब्लिश करते हैं, कोई भी पोस्ट पब्लिश करते हैं, उसमें जो लोग मैसेज करते हैं वो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप जाके उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैसेज है हाय बोल के, मैंने उनको रिप्लाई करता हूँ हेलो बोल के, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ मैसेज सेक्शन में एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने हेलो बोल के उनको मैसेज कर देगा। थोड़ा फ़ोन हैंग कर रहा है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, इसको बैक कर लेता है। हाँ तो एलो कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए मैं उनको हेलो बोल के मैसेज कर देता हूँ। तो ऐसे हम यहाँ से डायरेक्टली उनको मैसेज भी सेंड कर सकते हैं एंड यहाँ पे देखिए प्लस मार्क एक निकाल के आ जाता है, यहाँ से आप पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई पोस्ट डालने के लिए, रील्स डालने के लिए, फोटो डालने के लिए, स्टोरी डालने के लिए, ऐड करने के लिए, इवन लाइव भी जाने के लिए आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन आप होम पेज में वो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट, रील्स, स्टोरी एंड ये जो क्रिएट ऐड एंड फोटो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। बोलो तो बहुत शॉर्टकट सा तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो। अभी आप सोच रहे कि ये जो ऐप है, ये जो करवाई है, शायद किधर पहले देखे होंगे, मैं आपको बताते तो आप किधर देखे। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, इसका पहले हम लोग ये ऐप को यूज़ करते थे जो है क्रिएटर स्टूडियो। जी हाँ, जो लोग फेसबुक पर वीडियो वगैरह छोड़ते हो, रील्स वगैरह छोड़ते हो, वो लोग पहले ये वाला ऐप को यूज़ करते थे जो है क्रिएटर स्टूडियो। बट फिलहाल ये ऐप शायद बंद होने वाला है, इसीलिए फेसबुक ने क्या किया, उसका जो लेटेस्ट वर्सन जो ऐप है ये निकाल के लेके आया। तो वो बंद हो जाएगा, ये आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए फेसबुक ने उसका मोनिटाइजेशन ऑप्शन में जो रील्स वाला ऑप्शन में वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है। तो ये ऐप आप ऐसे एज यूजुअल उसके जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे आप फोटो जो बैकग्राउंड का बैनर वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप डीपी फोटो भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे पूरा मेरा जो वीडियो वगैरह यहाँ पे सब शो हो रहा है। एंड दोस्तों ऊपर में एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, देखिए एक्सप्लोर बोल के जो मैंने मार्क करके दिया हूँ, एक्सप्लोर में क्लिक कीजिए। एक्सप्लोर में दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बोले मैनेज योर नोटिफिकेशन सेटिंग, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो एक्सप्लोर में ऐसा कुछ मेरे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एंड दोस्तों और जो चीज़ है मैंने जो यहाँ पे मिस कर चुका हूँ जो है टूल्स बोल के, देखिए एकदम नीचे लेफ्ट साइड में टूल्स बोल के आपके सामने ऑप्शन शो होता है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। देने के बाद यहाँ पे जितना सारा टूल्स है फेसबुक का यहाँ पे दे के रखा है। सबसे पहला नंबर आता है एड्स, उसके बाद आप मोनिटाइज को चेक कर सकते हैं कैसे आपका पेज काम कर रहा है, वो आप यहाँ से इसको
देख सकते हैं अप डाउन कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद प्लान आ रहा है, यहाँ सब कुछ प्लान भी कर सकते हो, जैसे कुछ पार्टी जाना, कुछ कुछ लाइव आना, ये सब प्लान आप कर सकते हो। बिजनेस फिट पर्पस के लिए करते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, इवेंट के लिए कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, सेटिंग जाते हो, फीडबैक, हेल्प, सब कुछ बोले तो ए टू जेड फेसबुक में जो कुछ भी करते थे सब यहाँ पे आ जाता है। एंड ये जो ऐप है, जो क्रिएटर स्टूडियो हम लोग यूज़ करते थे, जो यहाँ पे देखिए जो क्रिएटर स्टूडियो है हम लोग यूज़ करते थे, उससे ये काफ़ी बेहतर है एंड ये अपडेटेड है। एंड दोस्तों अभी आपका मन में एक सवाल आ रहा है कि मेरे पास तो 2-3 पेज है, तो इसको मैंने कैसे यहाँ पे ऐड करें। देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास जितना सारा पेज है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आपने फेसबुक को लॉगिन करेंगे, आपका ये ऐप को लॉगिन करेंगे एंड आपका जो फेसबुक है यहाँ पे लॉगिन है पहले से, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। आपको एक्सटर्नली जाके दोबारा यहाँ पे लॉगिन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों ऐप का जो शॉर्टकट से आपको मैं समझा दिया हूँ पूरा डिटेल से। तो अभी आपका पहला आप कमेंट करके बोलिए ये वाला जो अपडेट है जो फेसबुक का ऊपर, ये वाला जो अपडेट है जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो क्रिएटर जो ये वाला जो अपडेट है जो मेटा बिजनेस स्विच बोल के, ये अपडेट आपको आया है या नहीं आया। एंड अगर आ जाता है इसमें इतना घबराने के बाद ये नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है जो आपको बिजनेस को, फेसबुक जो मोनिटाइजेशन, फेसबुक जो आपका पेज को कंट्रोल कैसा चलता है अप डाउन, वो देखने के लिए बहुत आसान कर दिया है ये ऐप आके। जो पहले हम लोग क्रिएटर स्टूडियो यूज़ करते थे, अभी ये ऐप हम लोग यूज़ करेंगे एंड यहाँ से सब कुछ करेंगे। ये इससे भी मॉडिफाइड है एंड लेटेस्ट वर्सन है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, तो पूरा मैंने समझा चुका हूँ, पूरा डिटेल्स में छोटा करके मैंने समझा चुका हूँ कि ये ऐप क्या है, किस कहाँ से आपको मिलता है, कैसे आपको यूज़ करते हैं, पूरा मैंने समझा चुका हूँ। तो अभी आपका पहला आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, यानी ये जो सेटिंग है, ऑप्शन है, आपको मिला है या नहीं मिला है, वो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रील से अभी मोनेटाइज हुआ कि नहीं, रील से कुछ पैसा आ रहा है कि नहीं, वो कमेंट करके बताना। आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे क्लोज करता हूँ। कुछ भी आपका डाउट है, अगर आपका मन में है ये वीडियो देख के आपको दिमाग बोले तो पूरा जितना सारा डाउट क्लियर नहीं हुआ, कुछ मन में है, तो मेरा इंस्टाग्राम डायरी पे शो हो रहा है, वो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे जबरदस्त अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।